दोस्तों पिछले एक वीडियो पर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि आप कैसे किसी भी दोस्त लैपटॉप में फ्री फायर गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यदि आपके पास कोई भी विंडोज लैपटॉप है और ऐसे में आप अपने विंडोज लैपटॉप में फ्री फायर गेम को खेलना चाहते हैं तो कैसे आप फ्री फायर गेम को अपने विंडोज लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप्स। यदि आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन होने जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लीजिए ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने विंडोज में अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है कि फ्री फायर गेम इन विंडोज, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है फ्री फायर गेम इन विंडोज। उसके बाद दोस्तों सिंपली से आप इंटर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो पहले वाला ये जो ऑप्शन दिया गया है कि डाउनलोड गरीना फ्री फायर ऑन पीसी विथ ब्लू स्टिक्स, तो यहाँ पे जो फाइल दिखाया गया है इसी फाइल को आपको ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों डाउनलोड गरीना फ्री फायर ऑन पीसी विद ब्लू स्टिक्स, इसके ऊपर मैं सिंपली से प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे दिखाया गया है कि गरीना फ्री फायर और नीचे डाउनलोड गरीना फ्री फायर ऑन पीसी का एक ऑप्शन दिखाया गया है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली से डाउनलोड गरीना फ्री फायर ऑन पीसी के ऊपर सिंपली से आपको प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके विंडोज में ब्लू स्टिक का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ब्लू स्टिक डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों क्या करना है कि सिंपली से आपको ब्लू स्टिक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्या करना है, इस तीर के निशान के ऊपर प्रेस करना है और ओपन वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू स्टिक इंस्टॉलर, मतलब आपको अपने विंडोज में ब्लू स्टिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि सिंपली से आपको यहाँ पे ईएस वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही दोस्तों ब्लू स्टिक का जो एप्लीकेशन है वो आपके विंडोज के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली से आप नीचे इंस्टॉल नाउ के ऊपर प्रेस कीजिएगा। प्रेस करते ही दोस्तों आपके विंडोज में ब्लू स्टिक का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसका साइज आप यहाँ पे देख लीजिए कि 530 MB का साइज इसका है। तो इसे आपको अपने विंडोज में डाउनलोड करना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा कट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये थोड़ा लोडिंग लेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसके बाद दोस्तों आपके विंडोज में ये जो ब्लू स्टिक का एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि ब्लू स्टिक्स का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर अपना ईमेल आईडी डाल के लॉग इन करना है। तो ईमेल आईडी डालने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन दिया गया है तो आपको बस सिंपली से साइन इन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे साइन इन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों ये लोडिंग ले रहा है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो अपना ईमेल आईडी प्ले स्टोर में ऐड करने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। जो भी ईमेल आईडी आप अपने प्ले स्टोर में, मतलब विंडोज के प्ले स्टोर में ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा जो ईमेल आईडी मेरे फोन में है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। तो यदि आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है या फिर भूल चुके हैं तो ऐसे में आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल दिया है। तो ईमेल आईडी का पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर प्रेस कर देना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। तो यदि आपने जिस ईमेल आईडी को डाले है वो ईमेल आईडी आपके फोन में या फिर कहीं और पे लॉगिन है तो आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे चेक योर फोन कुछ इस टाइप से दिखाया जा रहा है और यहाँ पे 49 दिखाया जा रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे फोन में एक मैसेज दिया गया है
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली से आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे 49 दिखाया गया है तो 49 ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी नंबर आपको दिखाया जाएगा उस नंबर को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आई एग्री के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है वो आपके विंडोज के अंदर जो ब्लू स्टिक है उसके जो प्ले स्टोर है उस प्ले स्टोर में आपका जो ईमेल आईडी है वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये चेकिंग इन्फो हो रहा है तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पे खुल चुका है, मतलब विंडोज के अंदर प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको भी अपना ईमेल आईडी डालने पर अपना प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए कि मेरा प्ले स्टोर यहां पे ओपन हो चुका है क्योंकि मैंने अपने ईमेल आईडी को ब्लू स्टिक के अंदर प्ले स्टोर में लॉगिन किया है। तो अभी आपको यहां पे क्या करना है कि आपको यहां पे सर्च करना है कि फ्री फायर। तो मैं यहां पे सिंपली से सर्च कर लूंगा कि फ्री फायर। तो आप यहां पे सिंपली से टाइप कीजिएगा कि फ्री फायर। उसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको सर्च के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही दोस्तों गेडिना फ्री फायर आपके सामने दिखाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए कि गेडिना फ्री फायर यहां पे दिखाया गया है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि सिंपली से आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करते ही दोस्तों गेडिना फ्री फायर आपके विंडोज में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, उसके बाद दोस्तों ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके विंडोज में फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को कट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे विंडोज में फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो चुका है। तो आपके विंडोज में भी फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो जाएगा। तो चाहो तो आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं या फिर आपके होम स्क्रीन में भी दिखाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे इसे कट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे होम स्क्रीन में भी फ्री फायर गेम दिखाया गया है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए कि मेरे विंडोज के होम स्क्रीन में फ्री फायर गेम दिखाया जा रहा है। तो आपके विंडोज में भी जो होम स्क्रीन है उस पर आपको फ्री फायर गेम देखने को मिल जाएगा। तो ओपन करने के लिए क्या करना है कि सिंपली से आपको फ्री फायर के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग लेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे गेडिना का लोगो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मतलब फ्री फायर गेम मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली से कन्फर्म कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूं। तो आपको यहां पे कुछ अलाउ परमिशन मांगेगा, तो इन सबको आपको यहां पे अलाउ कर देना है। तो मैं यहां पे इन सबको यहां से अलाउ कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए कि मेरा फ्री फायर गेम यहां पे लोडिंग ले रहा है। तो आपके विंडोज में भी फ्री फायर गेम जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए कि मेरा फ्री फायर गेम यहां पे ओपन हो चुका है। तो अपना अकाउंट को लॉगिन करने के लिए क्या करना है वो तो आप जानते ही होंगे। तो चाहो तो आप यहां से गेस्ट अकाउंट को खोल के खेल सकते हैं, या फिर यदि आप अपने फेसबुक का जो फ्री फायर अकाउंट है उसे यहां पे लॉगिन करके खेल सकते हैं। और यदि आपका वीके का अकाउंट है या फिर गूगल का अकाउंट है तो ऐसे में आप यहां से साइन इन कर सकते हैं। तो मेरा फेसबुक अकाउंट से फ्री फायर अकाउंट बना हुआ है, तो सिंपली से मैं यहाँ पे साइन इन विद फेसबुक के ऊपर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा यदि आपका फेसबुक अकाउंट है तो ऐसे में आपको यहाँ पे अपना फेसबुक का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। इस फेसबुक आईडी से आपका फ्री फायर अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि सिंपली से आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो फ्री फायर अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कोड डालने के लिए कह रहा है क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल है। तो यदि आप अपने फेसबुक आईडी का टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं किया है तो इसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा। तो आप अपने फेसबुक अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली से आपको यहाँ पे यस करना है यदि आपका फेसबुक अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि यह लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो फ्री फायर अकाउंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे सिंपली से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो फ्री फायर अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सिंपली से टैप टू बिगिन के ऊपर प्रेस कर दूंगा, मतलब टैप कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो फ्री फायर अकाउंट है वो मेरे विंडोज में ओपन हो चुका है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो आपका भी जो फ्री फायर अकाउंट होगा वो आपके विंडोज में लॉग इन होके ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए कि मेरा जो फ्री फायर अकाउंट है वो मेरे विंडोज में ओपन हो चुका है, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ही आप अपने विंडोज लैपटॉप में फ्री फायर गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद उसे खेल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोज पे दबा लीजिए, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।